सो गाइस, जो अभी आपने देखा वो था मेरा ब्रेकफास्ट, या अभी अभी किया तो नहीं है, तो है अभी। और जो कि आपने पिछले शॉट देखे थे वो मैंने ट्राई किए थे, इस बार कुछ नया एंड काफ़ी अच्छा लगता है। ये शूट करते समय तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका रिजल्ट जो आता है वो काफ़ी अच्छा दिखता है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कैसा आएगा। सो आई होप जो भी आपने देखा हो वो अच्छा हो। और ब्रेकफास्ट की बात करें तो उसमें मैं लेता हूँ 5 eggs हैं, जिसमें से 2 whole एंड 3 egg whites हैं। इसमें एक ब्रेड है, 2 ब्रेड वो हैं जिसके बीच में पीनट बटर है, देन ये है मम्मी का स्पेशल काढ़ा। अच्छा, लेग स्ट्रेन करने के बाद जो है ना, उसकी जो खुमारी होती है, खुमारी से उसका जो दर्द होता है, उसकी निशानियां जो रहती है ना, वो 1-2 दिन तक रुकती हैं। और पता तुम्हें तब चलता है जब तुम सुबह बाथरूम बैठोगे, या आगे झुकोगे किसी चीज़ को उठाने के लिए, या फिर क्या कहते हैं ना कि सीढ़ियाँ चढ़ोगे, जो तुम्हारे क्या कहते हैं ना पुट्ठे, यानी इंग्लिश में वो टर्म होता है ग्लूट्स, जो तुम दर्द फील करोगे वो अलग ही लेवल का रहता है, लेकिन बड़ा मज़ेदार दर्द रहता है वो, तुम्हें तुम्हारी मेहनत को याद दिलाएगा हमेशा। तो कल यूपी में और दिल्ली के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा ही बारिश वगैरह हुई थी, और हवा तो अधिकतर जगह चली थी, काफ़ी ज़्यादा धूल वगैरह उड़ी थी, तो हमको उम्मीद थी कि ऐसा मिलेगा। और आज फिर से हमको लुगाई बनना है और झाड़ू पोछा करना है, हालांकि ये काम सिर्फ उनका नहीं होना चाहिए, मर्दों को भी ये सीखना चाहिए। ठीक है, तो सीख लो। सो गाइस, तो आज मोस्टली एक्सरसाइज जितनी भी मैं शेयर करूंगा वो होने वाली है आपकी बॉडी वेट एंड सिर्फ बैंड से, क्योंकि कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि बैंड से रिलेटेड मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आज मैंने बैंड से मेजरली चेस्ट ट्रेन किया है। और कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी अमेजिंग एक्सरसाइज है, आपके चेस्ट के सारे पार्ट्स को ट्रेन करेगा। इसीलिए मैंने बैंड्स को तीनों लेवल पर लगा के ट्रेन किया था, एक तो ऊपर, बीच में एंड देन नीचे।
और आपको जैसे पता है वर्कआउट के एंड में मैं करता हूँ पैरेलल बार, या फिर जो कहते हैं ना जिम में जो पैरेलल बार मशीन होती है उसकी जगह आप घर पे अगर हैं तो किचन का जो ट्रायंगल होता है कहीं ना कहीं कोना जरूर बनना होता है जहाँ आपकी सिंक जा रही होती है और बाकी का हिस्सा, तो उस पर आप दोनों तरफ हाथ को रख के आप पैरेलल बार की तरह कर सकते हैं डिप्स। और सपोज वो भी नहीं है तो आप घर में ढूंढ सकते हैं कोई ना कोई एरिया होगा या फिर कोई भी जुगाड़, जैसे दो कुर्सियां बगल में रख के तो आराम से वो हो जाती है। आई होप यू लाइक दिस स्मॉल वीडियो, या फिर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ दैट्स इट, और घर वालों को ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा। सो यार।